ये है कुछ रेयर एनिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है गोल्डन जिब्रा। मे बी आपने ये फर्स्ट टाइम देखा होगा क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही गोल्डन जिब्रा मौजूद है। इसको एक कंडीशन है एमेलानिज्म, जिसमें शरीर में कलर पिगमेंट्स की कमी होती है, जिससे इसको ये गोल्डन कलर मिला है। वैसे दिखने में क्या जबरदस्त लग रहा है। खैर ये है पिंक डॉल्फिन। फ्रेश वाटर में रहती है ये डॉल्फिन एंड अमेजोन रिवर, बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू एंड वेनेजुएला में कभी कभी मिल जाएगी। करीब 9 फुट लंबी और 150 किलो वजनी हो सकती है ये। ये है एल्बाइनो टर्टल। करीब 1,00,000 में से एक ही एल्बाइनो टर्टल होता है। वैसे बता दूं कि ये एक रेयर कंडीशन है एल्बिनिज्म, जिसकी वजह से स्किन बहुत ही ज्यादा व्हाइट और लाइट पिंकिश हो जाती है। ये है फुल ब्लैक पेंगुइन। शायद ही आपने कभी फुल ब्लैक पेंगुइन देखा होगा क्योंकि ये करीब 2,50,000 पेंगुइन्स में से एक ही होता है। ये कंडीशन एल्बिनिज्म से ऑपोजिट है, जिसे कहा जाता है मेलेनिज्म। खैर ये है गोल्डन टाइगर। पूरी दुनिया में 30 से भी कम गोल्डन टाइगर मौजूद है एंड ये एक वाइट बैंड जीन है। ये नॉर्मल टाइगर से ज्यादा बड़ा होता है एंड इसका फर भी नॉर्मल टाइगर से ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो ये है ब्लू लॉबस्टर। करीब 2,000,000 लॉबस्टर में से एक ही ब्लू लॉबस्टर होता है। इस लॉबस्टर को उसका ब्लू कलर एक पर्टिकुलर प्रोटीन की कमी की वजह से मिलता है। वैसे इसके अलावा और भी रेयर लॉबस्टर्स है, लाइक येलो लॉबस्टर, एल्बाइनो लॉबस्टर एंड क्रिस्टल लॉबस्टर। ये है ब्लू सी ड्रैगन, साइंटिफिक नाम ग्लोकस एटलांटिकस। ये 3 सेंटीमीटर तक ग्रो हो सकता है एंड ये आसानी से दिखेगा नहीं क्योंकि समुद्र के ब्लू वाटर में ये कैमोफ्लेज करता है। वैसे ये बहुत जहरीला होता है एंड खतरनाक जेलीफिश खाता है एंड ये सरफेस पे ही फ्लोट करता रहता है। खैर ये है अल्बाइनो स्नेक। करीब 10,00,000 में से एक ही अल्बाइनो स्नेक होता है। ये कोई अलग पर्टिकुलर स्पीसीज नहीं है, जो भी स्नेक की स्पीसीज बिना कलर पिगमेंट्स के जन्म लेती है उसे अल्बाइनो स्नेक कहा जाता है। ये एक जेनेटिक म्यूटेशन है लाइक एल्बिनिज्म। ये है नॉर्दर्न व्हाइट राइनो। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही नॉर्दर्न व्हाइट राइनो है और वो दोनों फीमेल है। इसका वजन करीब 2400 किलो तक होता है। वैसे ये एक्चुअली में व्हाइट नहीं ग्रे होते हैं। एक डच वर्ड है वेदे, जिसका मतलब होता है व्हाइट एंड यही वेदे का मिस प्रोनाउंस होकर व्हाइट हो गया है। खैर ये है आरपी ईगल। इसमें फीमेल्स करीब 10 किलो एंड मेल करीब 6 से 7 किलो वजनी हो सकता है। ये ईगल करीब 3.5 फुट तक बड़ी एंड 7.5 फुट तक इसका विंग स्पैन हो सकता है। ये इंसानों से 8 गुना ज्यादा अच्छे से देख सकती है एंड बड़े बंदर को भी अपना शिकार बना सकती है। इसका जो नेस्ट होता है वो डबल बेड जितना बड़ा हो सकता है। खैर इसी के साथ अगर वीडियो फेवरेट लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।